नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में नगर के जिला अस्पताल से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इस आयोजन में प्रदेश सचिव व मऊ प्रभारी मानिंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। इस दौरान नगर के जिला अस्पताल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचने पर धरना प्रदर्शन भी किया। आइए आपको दिखाते हैं मार्च और धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश सचिव व मऊ प्रभारी मनिंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आह्वान चलाया गया था कि सभी ब्लॉकों पर आज प्रदर्शन किया जाएगा, और उसी कड़ी में हम लोग जो किसान विरोधी बिल नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किया गया है, हम उसके विरोध में आज ये मार्च निकाले हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी इंखाब भाई और हमारे शहर अध्यक्ष कुशवाहा जी दोनों लोगों ने इस मार्च को यहाँ तक लेकर किया। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि किसान जो बिल लाए हैं, किसान विरोधी बिल, इसको वापस लिया जाए, और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे और किसानों के हित के लिए संघर्ष करेंगे। किस तरह की खामियां देखते हैं इस बिल में आप? इस बिल में तमाम खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी तो ये है कि जो मैं मुख्य बात एक बात कह देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा अधिकार है न्यायालय में जाने का, उस अधिकार को भी इस बिल में छीन लिया गया है कि किसान अगर किसी भी कारणवश अगर सहमत न हो आपसे तो वो न्यायालय की भी शरण में नहीं जा सकता है, और इस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं।